ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस मतलब की पहले आओ और पहले पाओ बेसिस पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेशनल क्रिएटर अवार्ड से रिलेटेड है ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और साथ ही द हिंदू न्यूज पेपर में भी आया था और मिसलेनियस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड फर्स्ट एवर नेशनल इस अवार्ड की बात करें दिस अवार्ड इज इन विजन एज अ लॉन्च पैड फॉर यूजिंग क्रिएटिविटी टू ड्राइव पॉजिटिव चेंज

में आया था एंड हेल्थ सेक्शन के लिए रेलिवेंट है रिसेंटली इंडिया रिसीव एंड रूबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड फॉर इट्स एक्सम्पलरी एफर्ट इन कॉम्बैटिंग अवार्ड दिया किसने था दिस अवार्ड इज अवार्डेड बाय मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप एट द अमेरिकन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स इन वॉशिंगटन डीसी वही हम मीजल्स डिसीज के कॉजिंग एजेंट की बात करें सो इट इज कॉज्ड बाय अ सिंगल स्टैंडर्ड एंडलब्ड आर एन ए वायरस विद वन सेरोप वही रूबेला डिसीज की बात करें सो दिस डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड जर्मन मीजल्स एंड इज कॉस्ड बाय रूबेला वायरस मीजल्स एंड रूबेला आर बोथ वैक्सीन प्रिवेंटेबल एंड एंड मीजल्स रूबेला वैक्सीन इज अ पार्ट ऑफ इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सिंस ट्वेंटी सेवेंटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड है यह टॉपिक टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था और इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एंड ये पहली बार है जब भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर ने काजीरंगा नेशनल पार्क को विजिट किया है सो so, हम काजीरंगा नेशनल पार्क से जुड़े कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं दिस नेशनल पार्क लाइज पार्टली इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट एंड पार्टली इन नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। इट वॉज डिक्लेयर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नाइनटीन फिफ्टी एंड नोटिफाइड एज काजी रंगा पार्क इन नाइनटीन सेवनटी फोर अंडर दाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन एंड इन नाइनटीन एटी फाइव

उसको देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक से रिलेटेड है द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ही आया था और इंटरनेशनल रिलेशन एज वेल एज इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है इंडिया एंड ई एफ टी लाइकली टू साइन फ्री ट्रेड पैक्ट ऑन मार्च टेन इस टॉपिक को भी हमने पांच मार्च को कवर किया था सो so, आप उसको देख सकते हैं बाकी कल जब ये पैक्ट साइन हो जाता है उसके बाद जो भी मेजर आउटकम्स आएंगे उसको हम कवर कर लेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंथ्रोपोसिन इपोक से रिलेटेड है ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और इन्वॉयरमेंट सेक्शन के लिए रेलिवेंट है रिसेंटली द प्रपोजल टू एड एंथ्रोपोसिन इपोक टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल वॉज रिजेक्टेड नाउ जियोलॉजिकल टाइम स्केल है क्या जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज बेस्ड ऑन क्रोनोस्टेटीग्राफिक क्लासिफिकेशन वहीं हम एंथ्रोपोसिन की बात करें सो विनिंग केमिस्ट पॉल क्रडसन मोर देन ट्वेंटी ईयर अगू एंड आर एसोसिएटेड विद एंथ्रोपोसिन इपोक आर ग्लोबल वार्मिंग सी लेवल राइस ओशियन एसिडिफिकेशन मास स्केल सॉइल इरोजन दीट वेवस डेटोरेशन ऑफ दफेयर and other detrimental changes in the environment hamara next topic artificial intelligence se related This topic indian express maya or science and tech kelly relevant hai. recently union cabinet approved the india ai mission with an outlay of approximately 10,000 crore for the next five years this mission will be implemented by independent business division under digital india corporation and this mission has following components and these are india ai compute capacity इंडिया ए आई इनोवेशन सेंटर इंडिया ए आई डेटा सेट प्लेटफॉर्म इंडिया ए आई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशियटिव इंडिया ए आई फ्यूचर स्किल्स इंडिया ए आई स्टार्टअप फाइनेंसिंग सेफ एंड ट्रस्टेड ए आई हमारा नेक्स्ट टॉपिक नाटो से रिलेटेड है यह टॉपिक कल के इंडियन एक्सप्रेस में आया था और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलिवेंट है रिसेंटली स्वीडन फॉर्मली ज्वाइंट नाटो एज दर्टी सेकेंड मेंबर नाउ नाटो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं नाटो ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ अटलांटिक अलायंस इज एन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस एंड इसका हेडकुआटर ब्रूसेल्स बेल्जियम में है वहीं नाटो के बैकग्राउंड की बात करें सो इट वॉज स्टेबलिस्ड बाय ट्वेल्व कंट्रीज़ फ्रॉम द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका विद द साइनिंग ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जिसे वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं इन द ईयर 1949, फोर्टी ये अलायंस कलेक्टिव डिफेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल फाइव ऑफ नाटो एंड अटैक ऑन एनी नाटो मेंबर इज एज एन अटैक ऑन ऑल नाटो मेंबर्स एंड यही कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल है वहीं इसके मेंबर्स की बात करें सो इट हैज थर्टी टू जिसमें से दो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा एंड ट्वेंटी यूरोपियन कंट्रीज हैं और एक यूरेशियन कंट्री है टर्की वहीं लास्ट ईयर फिनलैंड इसका थर्टी फर्स्ट मेंबर बना था सो फ्रेंड्स ये आज के हमारे इम्पोर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे हैं फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू